जमीन से लेकर पानी के नीचे मेट्रो दौड़ने के बाद अब देश में जल्दी पानी के ऊपर भी मेट्रो चलने वाली है। केरल के कोची में देश की पहली वाटर मेट्रो की शुरुआत होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 अप्रैल मंगलवार को तिरुवनंतपुरम से इसका लोकार्पण करेंगे। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने इसे राज्य का ड्रीम प्रोजेक्ट कहा है। जमीन से लेकर पानी के नीचे मेट्रो दौड़ने के बाद अब देश में जल्द ही पानी के ऊपर भी मेट्रो चलने वाली है। केरल के कोची में देश की पहली वाटर मेट्रो का प्रारंभ बड़ी बात होगी। पोर्ट सिटी में 1,136.83 करोड़ रुपए की लागत से कोची वाटर मेट्रो का निर्माण किया गया है। इस प्रोजेक्ट के तहत कोची के आसपास स्थित 10 द्वीपों को जोड़ा जाएगा। इसके लिए बैटरी से चलने वाली हाइब्रिड वाटर का इस्तेमाल किया जाएगा। इन बोट्स में जहां एडवांस टेक्नोलॉजी होगी, वहीं ये इको फ्रेंडली भी होगी। केरल वाटर मेट्रो पूरी तरह से वातानुकूलित इको फ्रेंडली होने के साथ ही इसमें दिव्यांगों के लिए सुविधा का भी ध्यान रखा गया है। वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट में 78 इलेक्ट्रिक बोट और 38 टर्मिनल होंगे। इस प्रोजेक्ट को लेकर सरकार और KFW से वित्त पोषित किया गया है। KFW एक फंडिंग एजेंसी है। परियोजना के पहले चरण में इसे हाई कोर्ट वाइपिन टर्मिनल और विट्टिल काकीनाड टर्मिनल के बीच शुरू किया जाएगा। वाटर मेट्रो में डिस्काउंट पास की भी सुविधा दी गई है। साप्ताहिक पास 180 रुपए का है। इससे 12 बार यात्रा की जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।